नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग की। तो दोस्तों यहाँ पर सैमसंग जो अपने एम सीरीज में एक और नया स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। अपने M21 और M31 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद सैमसंग अब पूरे तरीके से रेडी है अपने M11 के लॉन्च के लिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी M11 के सारे डिटेल्स के बारे में, और क्या ये फ़ोन प्रॉपर कॉम्पिटिशन दे पाएगा जो भी इसके कॉम्पिटिटर्स है इस प्राइस रेंज में। सारा का सारा टेक आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो बगैर आप कड़ाई में गाइस शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। यहाँ पर जो सैमसंग का गैलेक्सी M11 है वो यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है सैमसंग की तरफ से। जो सैमसंग की UAE वाली वेबसाइट है वहाँ पर जो है ये फ़ोन लिस्ट हो चुका है। यहाँ पर कोई भी प्रेस रिलीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है इस फ़ोन का, लेकिन जो है यहाँ पर सैमसंग ने अपनी UAE वाली वेबसाइट पर इस फ़ोन को लिस्ट कर दिया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर हम लोग सैमसंग गैलेक्सी M11 के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। इस फोन में आप लोगों को एक 6.4 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। ये जो फोन है ये एक पंच होल डिस्प्ले के साथ में आने वाला है। जो पंच होल है वो यहाँ पर आप लोगों को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा इसके पैनल के। तो यहाँ पर जैसा कि हम सबको पता है कि जो पंच होल है वो यहाँ पर एक नया ट्रेंड सेटर है 2020 में स्मार्टफोन्स के लिए। यहाँ पर आप लोगों को आजकल हर एक फोन पंच होल डिस्प्ले के साथ में देखने को मिल जाता है। तो जो इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का F2 के अपर्चर के साथ। वही बात करें यहाँ पर हम लोग इस फोन के बैक कैमरास की, तो यहाँ पर आप लोगों को बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का एक मेन स्नैपर देखने को मिलने वाला है F1.8 अपर्चर के साथ में। यहाँ पर आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है F2.4 अपर्चर के साथ में। और यहाँ पर आप लोगों को एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिलने वाला है F2.2 अपर्चर के साथ में। जिसका वाइड एंगल कैमरा है वहाँ पर आप लोगों को 115 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू भी देखने को मिलने वाला है। जो यहाँ पर सैमसंग की एम सीरीज है वो यहाँ पर जानी जाती अपने बैटरी के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को सैमसंग के गैलेक्सी M11 में भी एक बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को 5000mAh की एक बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। ये जो बैटरी है ये सपोर्ट करती है 15W के फास्ट चार्जिंग को, जो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी बॉक्स में। वहीं बात करें यहाँ पर हम लोग सैमसंग के गैलेक्सी M11 के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के प्रोसेसर से रिलेटेड अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है सैमसंग की तरफ से। लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने सिर्फ इतना ही बताया कि ये जो प्रोसेसर है ये क्लॉक्ड है 1.8GHz के स्पीड पे। लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, या फिर ये जो है एक्सिनोस मीडिया टेक या फिर स्नैपड्रैगन का भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर सैमसंग है वो अपने एम सीरीज में मोस्ट ऑफ द एक्सिनोस ही यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि एक्सिनोस का ही प्रोसेसर देखने को मिले सैमसंग के गैलेक्सी M11 में भी। वहीं बात करें यहाँ पर हम लोग सैमसंग के गैलेक्सी M11 के रैम और स्टोरेज ऑप्शंस की, तो जो इसका बेस वेरिएंट है वहाँ पर आप लोगों को 3GB की रैम और 32GB की स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। ये जो फोन है ये सपोर्ट करने वाला है 512GB के माइक्रो SD कार्ड को भी। यहाँ पर आप लोगों को हेडफोन जैक भी इस फोन में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बात करें इस फोन के कलर ऑप्शंस की, तो ये जो फोन है ये 3 कलर ऑप्शंस में आने वाला है। जो पहला है वो है यहाँ पर ब्लैक, जो दूसरा है वो है मेटेलिक ब्लू, और जो तीसरा है वो है वॉयलेट कलर। बात करें यहाँ पर हम लोग इस फोन के बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर आप लोगों को फेस अनलॉक तो देखने को मिलने वाला है। जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यहाँ पर बैक में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। यहाँ पर जो इस फोन की बैक बॉडी है वो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट से बनी होगी, तो यानी आप लोगों को कोई ग्लास बॉडी देखने को नहीं मिलती है इस फोन के अंदर। इस फोन में आप लोगों को जो है ब्लूटूथ 4.2 का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो ब्लूटूथ 5.0 है वो यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सैमसंग के गैलेक्सी M11 की प्राइसिंग की। तो यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी M11 है वो यहाँ पर सक्सेसर होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M10S का। तो जो सैमसंग गैलेक्सी M10S की प्राइसिंग थी इंडिया में वो थी यहाँ पर 8,999 रुपीज़ से। यहाँ पर जो इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस है वो भी यहाँ पर 9,000 या तो फिर 9,500 रुपीज़ के आसपास आप लोगों को ये जो फोन है इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वहीं बात करें यहाँ पर हम लोग सैमसंग गैलेक्सी M11 की, तो यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी M11 है वो यहाँ पर एकदम बेसिक बजट फोन होने वाले, जो कि लॉन्च होने वाले अंडर 10,000 रुपीज़ इंडिया के अंदर। लेकिन जो इंडिया है वो यहाँ पर एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है अंडर 10,000 रुपीज़ बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है रियलमी और रेडमी ब्रांड्स की तरफ से। यहाँ पर जो इस फोन का मेन कंपैरिजन होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर रियलमी के 5i और रेडमी के नोट 8 की तरफ से। यहाँ पर इन दोनों फोन्स में आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो सैमसंग का गैलेक्सी M11 है वो यहाँ पर प्रोसेसर वाइज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप लोगों को जो परफॉर्मेंस मैटर करती है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए डेफिनेटली रियलमी का 5i या फिर रेडमी नोट 8 बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को जो एक बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग चाहिए और जो सैमसंग का 1 ईयर एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर चाहिए, तो जो M11 है वो यहाँ पर डेफिनेटली एक बेटर चॉइस होगी इस प्राइस रेंज में।
तो यहाँ पर जो मेन डिसीजन होने वाला है वो यहाँ पर आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स पर बेस्ड होगा। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में, क्या ये प्रॉपर कॉम्पिटिशन दे पाएगा रेडमी और रियलमी जैसे ब्रांड्स को, या फिर जो है इस फोन में और भी इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो जो आप लोगों का व्यू है वो नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आए तो इस वीडियो को हमें लाइक करके ज़रूर से बताए। इस वीडियो को जो है ये अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी सैमसंग गैलेक्सी M11 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता चले। अगर आप लोगों को जो ऐसे अमेजिंग टेक रिलेटेड कंटेंट को एंजॉय करना है तो हमारे टेक मैजिक चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा ऐसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।